What happened? What's going on? Yeah, we did a blunder. क्या किया तुम लोगों ने? वो एक्चुअली हमने ड्रग्स गलती से प्राची के बैग के बजाय शाहाना के बैग में रख दिए. What? Are you out of your mind? तुम ऐसा क्या? How could you do a such a big mistake? रिया मैंने बैग खुद चेक किया था उसमें प्राची उसकी मॉम और शाहाना की फोटो थी. मेरे वॉलेट में मेरे डैड और मेरी फोटो होती तो इसका मतलब वो वॉलेट मेरे डैड का है. How could you be so so stupid? I have to think something. कुछ सोचना पड़ेगा. नहीं 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 तुम नो तुम मत सोचना कुछ. I know what I have to do. What? I know what I have to do. कुछ देर पहले ही आ जाते हैं अरे लोग. अभी तक अपना केक काट के ना सो चुका होता मैं. वो देखो 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 टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना. इसके बैग में तो सिगरेट नहीं मिलेगी. ड्रग्स तो बहुत बड़ी बात है. छोड़ना यार. आई एम गेटिंग रियली बोर्ड यार. जल्दी खत्म हो यार. इट्स ऑलमोस्ट डन. बस दो तीन लोग और बचे. Hey, अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा. आ गया साहब. आप मेरे केस की इंसल्ट कर रहे हैं. देखिए ये आपके लिए गेस्ट होंगी लेकिन मेरी नजर में सस्पेक्ट है. और हाँ अगर इनके पास से ड्रग्स नहीं मिला ना तो मैं आपकी पूरी फैमिली को चेक कर सकता हूँ. hey, आ गया हो तुम. इसे चेक करो. ड्रग्स है ये. और तुम्हें ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है. ये मेरा नहीं है. लेके चलो. अब तुम्हारा नहीं है. चलो लेके चलो. क्या कह रही है? दिया का फोन क्यों नहीं लग रहा? आई होप सब ठीक हो.
अजीब हाल है रिया, आप मुसीबत में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी बेटी मुसीबत में हो। मैंने कुछ नहीं किया सब। एक सेकंड, वो कुछ कह रही है, उसकी बात तो सुनो। अब ये जो कुछ बोलेगी ना, पुलिस स्टेशन में ही बोलेगी। सब वो पाउच इसका नहीं है। मुझे सच में नहीं पता वो मेरे बैग में कैसे आया। मुझे नहीं पता मेडिसिन, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज बिलीव मी। वो पाउच मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज बचाइए मुझे सर। डोंट डू एनीथिंग, यू नो वी डू इट राइट। I'm sorry, Alia. मुझे तुम्हें सच बताना नहीं चाहिए था। कभी कभी सच बताना भी ठीक नहीं होता। तुम ठीक कह रही थी, अगर तुम खुश थी तो मैंने क्यों तुम्हें वो सब बोला? अगर मैं तुम्हें वो सब नहीं बोलता तो इस वक्त तुम्हारी, I'm sorry, मैंने वो सब तुम्हें दिशा समझ के, आलिया, आलिया, आलिया आंखें खोलो, आलिया, आलिया तुमने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं? आलिया आंसर मी, आंखें खोलो आलिया, तुमने नींद की दवाई खाई है आलिया? आलिया, आलिया, आलिया क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? आपने कहा पुलिस स्टेशन आकर बात करने, मैं आ गया हूं, बात कीजिए मुझसे। यूज़ मी, आप ही ने कहा था कि पुलिस स्टेशन आकर छुड़वाने, आ गया हूं, पुलिस स्टेशन छोड़ दो ना उन्हें। महेंद्र, अगर ये नवाब ज्यादा कुछ उल्टी सीधी हरकत करे ना तो लॉकअप में डाल देना इसे, पुलिस के काम में रुकावट डालने का चार्ज लगाना इस पे। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ छुड़वाने की बात की। अच्छा, बहुत बड़ा नेता है ना तू, तो तू जो कहेगा मैं मानूंगा। ओ इंस्पेक्टर साहब, आवाज नीचे, पुलिस स्टेशन है ये, घर नहीं है तेरा, नहीं छोड़ता उसे, जा, सड़ेगी सारी जिंदगी भर यहीं पे सड़ेगी। ए, क्या क्या कर रहे हो हवलदार? इंस्पेक्टर, हवलदार हो गया क्या? सड़ेगी, सड़ा दूंगा। डालो इसे अंदर, अंदर डालो इसे, पुलिस पे हाथ उठाया इसने, चार्जेस लगाओ इस पे। हाथ भी मारूंगा। डालो इसे अंदर, प्लीज अंदर मत डालिए प्लीज। और पहले केस इसी पे बनाओ, बड़ा चौधरी बना फिर रहा है ये। मैं देख लूंगा आपको। हाँ देखना, लॉकअप से बैठा हूँ तेरे सामने। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें क्यों अंदर डाल रहे? कौन है तू? मैं प्राची की बहन हूँ। अच्छा, फिर तो दोनों बहनें मिलके ड्रग्स बेचती होंगी, है ना? डाल दूंगा तुझे भी लॉकअप में, चुपचाप खड़ी रहे वरना पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दूंगा। ओ इंस्पेक्टर, अच्छी है तमीज से बात कर। अब तो तमीज कानून सब तू सिखाएगा मुझे। आलिया, आलिया प्लीज आंखें खोलो, आलिया, आलिया सोना मत, प्लीज टॉक टू मी। यू डोंट लव मी बोल। आलिया ऐसा नहीं है, आलिया, आलिया लिसन, आलिया, आलिया प्लीज आंखें खोलो, आलिया, आलिया, आलिया प्लीज सोना मत प्लीज। क्यों जी हूं मैं? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? अगर प्यार करते तो मैं जी भी लेती, लेकिन प्यार नहीं करते। नो आलिया, नो, आई मीन आई लव यू। आलिया, आलिया, लिसन आलिया, आलिया। आलिया आर यू ओके? आलिया मैम मेरी बात सुनिए। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरी वाइफ के साथ इमरजेंसी हुई है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसकी जान खतरे में है, समझने की कोशिश कीजिए। Excuse me, वो पार्टी थी ना यहाँ पे, खत्म हो गई या कहीं और शिफ्ट हो गई? मैम यहाँ पुलिस की रेड पड़ी थी। पुलिस, पुलिस की रेड किस लिए? मतलब क्या हुआ ऐसा? मतलब घर के लोग सब कहाँ हैं? मैम किसी को बताना नहीं, बड़े साहब की बेटी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कैसे अरेस्ट कर लिया? वो बच्ची है बेचारी,
किसी ने रोका नहीं क्या? क्यों अरेस्ट कर लिया? मैम, उनके पर्स में से ड्रग्स मिले थे। नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा कैसे? घर के सारे लोग कहाँ थे? ऐसे अरेस्ट कर। यहाँ रिया को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। आप लोग कहाँ थे? रोका क्यों नहीं उन लोगों को? आप भी नहीं, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा रिया? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। और अगर पुलिस ने कहा भी कि उसके बैग में ड्रग्स थे, तो आपको कहना चाहिए था ना कि प्रिया ऐसी लड़की नहीं, वो बच्ची कॉलेज में हो। क्या असर पड़ेगा उस पे? अगर मैं होती ना, रिया को अरेस्ट होने ही नहीं देती, मैं रोक लेती पुलिस को भी। मेरी बात तो क्या सुनू मैं आपकी बात? आपने कहा था आप उसकी माँ जैसी है, आप यहाँ क्या करिए? उसके साथ क्यों नहीं? उसकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ाई कि हम सब है उसके साथ? मैं रिया के पास जा रही हूँ। रिया, वो वाला चल आ जा। चल दरवाजा, बाद में आएंगे ना, पहले तू। नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं इसीलिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। प्राची प्लीज समझाओ इसे, अगर ये यहाँ से नहीं जाएगा ना तो एक और बखेड़ा शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें छूटना है तो फिलहाल इसका मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। प्लीज, मैंने बोला ना, मैं इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँ। अरे आई विल नॉट गो। क्या हो रहा है ये? तुम्हें जो बात करनी है, जो बहस करनी है ना, बाहर जाकर करो। हाँ, जा रहे। अरे यार चलना, अभी बड़ी मुश्किल से माना हो यार, चलना यार, प्लीज यार। सर आप प्लीज जाइए। मैंने बोला मैं इसे छुड़ाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये इनोसेंट है, ये जेल के अंदर क्यों रहेगी? सर मैं आपकी नजर में इनोसेंट हूँ ना, कानून की नजर में नहीं। समझ गई वो। अरे उसको छुड़ाने के लिए हमें लॉयर की जरूरत है। हम मलकानी के पास जा रहे हैं अभी, वो फिलहाल फोन नहीं उठा रहा, इसलिए उसके घर जाना होगा। चल सर, आप लॉ के हिसाब से चलिए, यहाँ इन पुलिस वालों से लड़के कुछ नहीं होगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाकर लॉयर को लेकर आओ। ए, बंद कर दो मुझे। अरे अभी क्या कर रहा है तू यार? तू क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है यार? देख मेरी बात सुन, वो मलकानी जो है ना, वो तेरा दोस्त है, मुझसे ज्यादा तुझे जानता है। और रात को अगर उससे काम निकलवाना है तो तेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। तू चल तू वापस आके निकलवा लेंगे लॉयर के बाद। हम अभी सीधे उसके पास जा। यस, चलना जल्दी। एक सेकंड, आई विल जस्ट बी बैक। ए, डोंट क्राई, रोना नहीं, ऑलराइट? गॉट बी स्ट्रांग। मैं अभी जा रहा हूँ, बस कुछ ही देर में वापस आऊंगा तुम्हें छुड़ाने के लिए। डोंट क्राई, कुछ नहीं होगा। अपना ध्यान रखिए। एक मिनट, साइन करके जाओ। तूने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी कुछ गलत कर नहीं सकती। और तूने गलत किया नहीं है तो तू रोएगी नहीं। शाना, मिस्टर मेहरा कहाँ है? वो रणबीर के पापा के साथ लॉयर से मिलने गए। मलकानी को बोल के ना, एक केस उस इंस्पेक्टर पे भी करूंगा। हाँ ठीक है, कर लेना। अरेस्ट कैसे किया उसने मुझे? अरे अभी तो चल, तू अभी चल, बाद में कर लेना। चल, तू देखा ना कैसे अकड़ रहा था? मन तो कर रहा था कि एक खींच के। शांत है, कुछ नहीं, मुझे उसे जवाब दे। अरे अरे कहाँ जा रहे अभी? अरे थैंक गॉड, कम से कम वो यहाँ थे, वरना तू तो बिल्कुल अकेले पड़ जाती। मैं इंस्पेक्टर से बात करके आती हूँ। अभी चीफ, एक सेकंड, चीफ। रुकना यार, तू क्या चाहता है मुझे बोल? कितनी मुश्किल से कुछ हुआ है यहाँ से यार, तू फिर से जेल में जाना चाहता है क्या? अरे तू यहाँ पे आ। फ्लैट में क्या अनाउंस करते हैं कि दूसरों की पेटी बांधने से पहले खुद की पेटी बांध लिया करो। प्राची को छुड़ाना है ना, प्राची को छुड़ाना है ना, तब तक अपना गुस्सा काबू में रख, चुप रहते भाई। पहले उसको छुड़ा लेते, उसके बाद जितनी लड़ाई करनी कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो ना? मेरी शक्ल चोर जैसी है, पर मैंने कुछ नहीं चुराया है। तुमने फुटेज चुराई है? नो नो, जस्ट लिसन टू मी। तुम चुप रहो और मेरी सुनो। जो घर मुझे रोजी रोटी देता है, मैं वहाँ से तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगा। जिस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, इज्जत मिलती है, मैं वहाँ अपने काम से किसी को धोखा नहीं दे सकता। मगर हाँ, जब सामने अपना प्यारा सा भतीजा बैठा हो तो थोड़ा बहुत धोखा तो चल सकता है। क्या चाचा, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा आपके उसूल जाग उठे और अब मैं गया। अरे ऐसे कैसे गया? ये प्लान हम दोनों का था, मिलकर ही दोनों करेंगे। अच्छा सुन, पेन ड्राइव दिखा, जल्दी दिखा। हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना किसी ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको प्यार करता नहीं है या आपको छोड़कर चला जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। मैं भी कमजोर पड़ गई थी पूरब, और इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज प्लीज आई लव यू पूरब, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। तुम सच में मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, I promise. You should rest now. हम घर कब जाएंगे? कल। घर पे किसी को बताए तो नहीं आ रही है? नहीं, लोग बेकार में परेशान होते इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा किया। अब तुम लेट जाओ, कम ऑन। कुछ देर बैठने दो, हमारे साथ बातें करने दो। आलिया देखो, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नो नो नो, मैं रेस्ट करती हूँ, बस तुम मत जाना। ओफो, प्रज्ञा का फोन ही नहीं लग रहा। बेचारी प्राची, जब से दिल्ली आई है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई चाहते ही नहीं है कि वो खुश रहे। नहीं देख सकती मैं उस प्राची को खुश। मेरे डैड, मेरी फैमिली और रणबीर, इनके साथ तो मैं उसे हंसते हुए भी नहीं देख सकती। उसकी मॉम हम सबसे मिले मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो प्राची नहीं। बस एक बार वो हमारी लाइफ से अलग हो जाए, देन आई विल मीट हर मदर। मैं उनका ख्याल रखूंगी, बेटी की तरह उनके साथ रहूंगी, वो भी मुझे बेटी की तरह प्यार करने लगेंगी, और वो भी उस प्राची से ज्यादा, क्योंकि प्राची तो उनकी नजरों में गिर चुकी होगी। डैड को फोन करूं क्या? पूछूं वहां क्या हो रहा है, क्या केस बना, कितनी सजा मिलेगी प्राची को? अरे नो 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 नो, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो डैड को मुझ पे शक हो जाएगा। नो नो, बैड आइडिया, बैड आइडिया। केस तो अब उस प्राची पे बनेगा। आई मीन डैड उसे छुड़ा नहीं पाएंगे, कोई और केस होता तो शायद थोड़े से चांसेस थे, पर ड्रग्स के केस में तो नो चांस। यू आर फिनिश्ड प्राची, इट्स योर एंड गेम। तूने किसी व्रत में कुछ खाया तो नहीं था ना? नहीं, अगर तूने कुछ खाया था ना तो प्लीज माफी मांग ले। पता नहीं भगवान जी किस बात की सजा दे रहे तुझे। सजा नहीं दे रहा, इम्तिहान ले रहा। किस चीज का इम्तिहान माँ? क्यों? बस जब तक तू जिंदगी की हर मुसीबत से लड़ना नहीं सीख जाती ना, तब तक भगवान इम्तिहान लेते हैं। मुझे नहीं देना कोई इम्तिहान, मैं थक गई हूँ अब, मैं सच में थक गई हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तू तो मेरी बेटी है। दूसरे चाहे तुझ पर से भरोसा छोड़ दे, लेकिन तू खुद पे भरोसा कर, हिम्मत कर, कुछ नहीं होगा। और जब तक तू गलत नहीं है ना, तू हार नहीं मानेगी। और फिर मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे डरने की कुछ नहीं होगा तुझे। तू घबरा मत, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। माँ लेकिन मेरा सर के साथ तो गलत हुआ ना, उनकी क्या गलती है? उनकी यही गलती है कि मुझे उन्होंने जॉब दी, अपने घर पे बुलाया, यहाँ तक आए मुझे छुड़ाने के लिए, उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? तो ये सब मत सोच, तो ये देखना वो कितना भरोसा करते हैं तुझ पे, कितना प्यार करते हैं तुझसे। तुझे
अपनी बेटी की तरह मानते हैं। सिर्फ मैं नहीं, वो भी तेरे साथ हैं। प्राची, मैं भी तेरे साथ हूँ। हम सब तेरे साथ हैं, फिर तू क्यों घबरा रही? मिलने का टाइम खत्म हो गया है, आप दोनों जाइए। जाइए मतलब? मैं अपनी बेटी को यहाँ पुलिस स्टेशन में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक ये बेगुनाह साबित नहीं हो जाती। तब तक वेट करना है तो कीजिए, लेकिन यहां नहीं, बाहर। मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रही, मैं यही बाहर हूं। कुछ नहीं होगा, मैं यही बाहर हूं रात भर। मेरी बेटी के साथ अगर किसी ने बदतमीजी की ना तो अच्छा नहीं होगा। आप घर चले जाओ, यहाँ मत रहो, घर चले जाओ। अब हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। तेरा बहादुर बच्चा कौन है? मैं। हम पुलिस वालों को ही कानून के लंबे हाथ कहते हैं। डर नहीं लगता तुमको मुझसे? डर वहां होती है जहां रिस्पेक्ट होती है। मैं आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी नहीं। सर, आपके बेटे के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, उस बात का दुख है मुझे। लेकिन सर, किसी निर्दोष को जेल में बंद करने से ना आपका दुख कम होगा ना गुस्सा। जिस ड्रग डीलर की वजह से आपके बेटे की मौत हुई वो आज भी खुले में घूम रहा है, और जिसे आपने अंदर बंद कर रखा है वो एक बेकसूर लड़की है। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स उसके पास से नहीं मिले, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ड्रग्स उसके नहीं है। सर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मान लो जैसे वो मेरी सब कुछ है, अपनी बेटी मानता हूं मैं उसे। सर, देखा जाए तो हम दोनों बाप होने की ड्यूटीज निभा रहे हैं। आप अपने बेटे के गुनहगार को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सर, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। सर, आप एक निर्दोष को बचाने में मेरी हेल्प कीजिए, मैं उस गुनहगार को पकड़वाने में आपकी मदद करता हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट। सर, प्लीज मरहमत कीजिए। सर, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की ना तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सर, ड्रग्स मेरे घर से मिले हैं ना, तो मैं जानता हूँ उसे कैसे पकड़ना है। सर, आप भरोसा तो रखिए मुझ पर। सर, आपने अपने बेटे को खोया है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को इस तरह। तो मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर तुम कोई उसके बेगुनाह होने का सबूत ले आओ तो मैं छोड़ सकता हूँ। कैसा सबूत? सर, उस लड़की की माँ कह रही थी कि वो तुम्हारे घर से सीसीटीवी फुटेज ले आएगी। तब तो मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि उस लड़की को, खैर, एक तरीका तो हो गया ये सीसीटीवी फुटेज, और दूसरा ये कि अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख दूं कि उस पाउच में ड्रग्स नहीं नमक था, तो लड़की छूट जाएगी। लेकिन मैं ऐसी गलत रिपोर्ट बनाऊंगा नहीं। और तीसरा और आखिरी तरीका, अगर तुम असली गुनहगार को यहां ले आओ और वो मेरे सामने कबूल कर ले कि वो ड्रग्स उसकी थी, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। तो मतलब या तो मैं आपके पास सीसीटीवी फुटेज लाओ या उस कल्प्रिट का असली कन्फेशन। हाँ सर, आपकी इतनी हेल्प मेरे लिए बहुत है। सर, वो इस लड़की की माँ बाहर रो रही है, उसे अंदर ले आए, बेटी के सामने रहेगी तो रोएगी नहीं। तेरे को पता है ना कि रात को कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है थाने में। अब तो उसकी माँ आई है, फिर चाचा आएगा, ताऊ आएगा, ये सब तो लगा रहेगा। कोई अलाउड नहीं है इधर। थैंक यू फॉर योर हेल्प सर। सर, यहाँ आइए एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं प्राची से मिल सकता हूँ? हाँ, मिल लीजिए। थैंक यू। मेरी माँ आई है बाहर, आप उनसे मिलेंगे प्लीज? उनसे कह दीजिए कि आप मुझे यहाँ से छुड़ा देंगे और वो टेंशन ना ले। क्या है ना, वो बहुत बहुत टेंशन में आ गई होंगी। आप बात करेंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। सर, जो आपने किया है ना उसके बाद अगर मैं रुक गई तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये रिश्ता हम दोनों का है, तुम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। रिश्ता होगा, प्यार नहीं है।
दिशा मेरी बात सुनो, दिशा दिशा, तुम बिना बोले भी कितने सवाल कर जाती हो और मैं बोल के भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि तुम्हारे हर सवाल में दर्द है जो तुम्हें उस धोखे से मिला है जो मैंने। I'm sorry, दिशा, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने निभा नहीं पाया और आज आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी उसकी वजह मैं हूं। मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं पाया पर अगर हो सके तो तुम मुझे माफी दे देना उस धोखे के लिए जो जो मैंने तुम्हें नहीं दिया वो तो बस सॉरी दिशा सॉरी। Excuse me, क्या फिर एक औरत रो रही थी वो कहाँ है? यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? ये फोन स्विच ऑफ करके देखती हूँ।